नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि संबंधित होंगी बेसिक शिक्षा विभाग से चार बड़ी अपडेट के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें क्योंकि देखने वालों की संख्या हजारों में होती है। सबसे बड़ा सवाल अगर है प्रदेश के अंदर तो वो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कि कब करवाई जाएगी। हालांकि यूपी टेट और एडेड जूनियर 22,000 को लेकर भी लगातार अलग अलग छात्रों की तरफ से अपनी अपनी जो मांगें वो रखी जा रही हैं। बैठक के अंदर फैसले के बारे में बताएंगे, साथ में अधिकारियों से जो जानकारी मिली है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना प्रदर्शन के बाद ट्विटर वार भी हुआ है, लाठियां भी खाई गई हैं। दूसरी तरफ लगातार अधिकारियों से मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री सर की तरफ से आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में अभी भी सवाल है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी आश्वासन मिले हैं कोई लिखित में आश्वासन नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री सर की तरफ से कहा गया हो कि विज्ञापन जारी करवा दिया जाएगा, कार्रवाई करवाई जाएगी, लेकिन कब से होगी इसी को लेकर फिलहाल इंतजार है। और बहुत सारे छात्र तो काफ़ी डिमोटिवेट भी हो चुके हैं कि उनको लगता है कि इस साल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो ऐसे में जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो बिल्कुल इस सवाल को निकाल करके फेंक दीजिए, क्योंकि इस साल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। सरकार के पास एक चुनावी समय है और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हुए हैं। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पहले तो आपको पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, उसके बाद जो आगे की चीज़ें मैं आप सभी को बता दूँ। पिछले दिनों लगातार हुए धरना प्रदर्शन के बाद से अधिकारियों की तरफ से, साथ ही अगर बात करें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, आश्वासन दिया गया था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सर ने भी आश्वासन दिया था कि इसको लेकर जो कार्यवाही है वो देखने के लिए मिलेगी। और कल देर शाम को मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर आप सभी को दिखाया था कि हमारे प्रदेश का हाल क्या है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जहां पे रसोइयों के माध्यम से विद्यालय चलवाए जा रहे हैं। एक तरफ जो बीएड और बीटीसी करके बैठे हुए हैं उनको गालियां या फिर डंडों से नवाजा जा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को पॉजिटिव रहने की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। उसी क्रम में कई अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास किया गया नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उनकी तरफ से भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि जब तक यूपी टीईटी नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। इसी वजह से अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और यूपी टीईटी का जो मामला लटका हुआ है वो आप सभी जानते हैं कि शासन स्तर से अभी तक यहाँ से मंजूरी न मिलना, भले ही शासन की जो भी मंशा हो, लेकिन एक बार जब यूपी टीईटी का आयोजन हो जाएगा तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी रास्ता साफ हो जाएगा। तो ऐसे में जो भी छात्र कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है कि अभी तक सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ नहीं कर रही है या फिर मामले को लटकाने का प्रयास किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा जो रीजन जानकारी मिल रही है अधिकारियों की तरफ से, उनका कहना है कि यूपी टीईटी ना हो पाने की वजह से अभी तक इसको लेकर जो कार्यवाही वो देखने के लिए नहीं मिली है। तो ऐसे में जो भी छात्र हैं लगातार अपनी मांग को लेकर डटे रहें। हाल ही में मिले आश्वासन के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर एक बैठक भी होने वाली है जिसके अंदर कई मुद्दों को लेकर जो फैसले हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात करें सरकारी आश्वासन संबंधी समिति को लेकर, बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर संबंधित सभी मामलों को लेकर आश्वासन की सूची आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें 22/7/2021 को सुबह 11 बजे से एक बैठक होने वाली है जहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी कुछ फैसला आपको देखने के लिए मिल सकता है। अधिकारियों की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि यूपी टीईटी ना हो पाने की वजह से अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर फैसला नहीं हुआ है। अब बात करते हैं यूपी टीईटी 2021 के बारे में, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो अवश्य आएगी। यूपी टीईटी 2021 को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि पीएनपी सचिव की तरफ से अब तक भेजे गए तमाम प्रस्तावों को लेकर शासन की तरफ से कोई मंजूरी न मिल पाने की वजह से आपके जो आवेदन है वो शुरू नहीं हुए हैं। इसी वजह से 15 और 16 तारीख को आपके जो आवेदन होने थे वो भी कैंसिल हो गए हैं क्योंकि प्रस्ताव में डिले हो गया है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि यूपी टीईटी 2021 को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है वो इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक आपको देखने के लिए मिलेगा। कई अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर होने वाली बैठक के अंदर यहाँ पे अधिकारियों से वार्ता करके यूपी टीईटी को लेकर भी जानकारी दी जाएगी कि काफ़ी लंबे समय से अधिकारियों की तरफ से जो आश्वासन है वो दिए जा रहे हैं कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन तो जारी होगा, लेकिन शासन की मंजूरी न मिल पाने की वजह से अभी तक यूपी टीईटी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि यूपी टीईटी 2021 का जो नोटिफिकेशन होगा वो इसी महीने के अंत में जारी किया जा सकता है।
सकता है। बाकी जो आपके आवेदन होंगे वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे अगस्त के प्रथम सप्ताह में। परीक्षा को लेकर उनका कहना है कि 2 महीने के अंदर जो परीक्षा वो करवा ली जाएगी, लेकिन फिलहाल होने वाली बैठक के अंदर 4 बड़े फैसले होंगे। पहला प्राथमिक शिक्षक भर्ती, दूसरा UPTET को लेकर, जहाँ पर जल्दी आप सभी के कार्यक्रम को करवाने को लेकर शासन प्रशासन पर कहीं ना कहीं जो मंथन है वो देखने के लिए मिलेगा, ऐसी भी जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है। तो जानकारी जो मिली है वो आपको बता दी गई है कि UPTET को लेकर इसी महीने के अंत में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। साथ में आपके जो आवेदन शुरू होंगे वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में करवाए जाएंगे। सब कुछ ठीक रहा तो आपकी जो परीक्षा होगी सितंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है, उससे पहले होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि पहले तो इसके स्लॉट को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि किस दिन इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, लेकिन ना तो कोई स्लॉट खाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, 29 अगस्त को इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है, लेकिन शासन स्तर पर इसको लेकर अभी कोई विचार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर होने वाली बैठक के अंदर कई अधिकारियों का कहना है कि इस भर्ती को भी संज्ञान में लाया जाएगा और उसके बाद में यहाँ से शासन को एक रिमाइंडर भेजा जाएगा जिसमें परीक्षा की तारीखों को लेकर विचार करने की जानकारी मिलेगी। उनका कहना है कि इस परीक्षा के आयोजन होने की जो संभावना है वो सितंबर महीने के अंदर देखने के लिए मिल रही है, अगस्त में परीक्षा हो पाना काफी मुश्किल है। अगर शासन की तरफ से कोई आदेश जारी किया जाता है जिसमें उनकी तरफ से कहा जाता है कि वर्किंग डे में इस परीक्षा को करवा लिया जाए तभी इस परीक्षा का आयोजन होगा, अदरवाइज जो ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो आपको अगस्त के प्रथम सप्ताह के बाद कभी भी करवा ली जाएगी, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली है। PNP सचिव की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, ना ही रिमाइंडर भेजा है। उनका कहना है कि इस भर्ती को लेकर अगले सप्ताह होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। उनकी तरफ से जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि यहाँ पे DLED 2021 को लेकर साथ में जो DLED के मामले लटके हुए थे शासन की तरफ से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी थी, तो ऐसे में इस हफ्ते से बस उस पर जो कार्य वो देखने के लिए मिला है, इसी के चलते एडेड जूनियर को लेकर कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा संभावना ऐसी है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होगी वो सितंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर देखने के लिए मिलेगी, अगर कोई स्लॉट खाली मिल जाता है तो, अदरवाइज थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है। पहले संभावना अगस्त की थी लेकिन DLED वगैरह के मामले को क्लियर करने के चक्कर में PNP सचिव की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई विचार नहीं हुआ था। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर अगले हफ्ते कई बैठकें आपको देखने के लिए मिलेंगी जहाँ पर इस भर्ती को लेकर ही मंथन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आप लोग इंतजार कर लें, आने वाला एक हफ्ता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 22,000 के बारे में। 22,000 के मुद्दे को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र लखनऊ SCERT पर पहुंचे हुए हैं। पिछले कई दिनों से अधिकारियों से, मंत्रियों से, सांसदों से जानकारी दी गई है कि इसको लेकर जो फैसला है वो लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई फैसला तो नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, छात्रों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि उप मुख्यमंत्री सर की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सर को उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी है, साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग से इसके बारे में जल्द एक बैठक भी देखने के लिए मिलेगी। 22,000 सीटों को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। छात्रों की तरफ से लगातार मंत्री, विधायक, सांसदों से मुलाकात की गई है, कई आश्वासन भी देखने के लिए मिले हैं। तो बहुत सारे छात्रों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 22 तारीख को होने वाली आश्वासन बैठक के अंदर जहाँ पर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर आश्वासन दिए गए थे, हो सकता है कि 22,000 सीटों को लेकर यहाँ पर कोई विचार देखने के लिए मिले, लेकिन आधिकारिक तौर पर 22,000 सीटों के बारे में अभी तक अगर देखा जाए तो शासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में 22,000 को लेकर अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार छात्रों ने धरना प्रदर्शन तो दिया है, अधिकारियों की तरफ से कई बार इसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से 22,000 को लेकर कोई फैसला नहीं हो जाता उससे पहले उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में लगातार छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के सामने अपने जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री सर की तरफ से लगातार 2 दिन मुलाकात भी हुई है जिसमें उनकी तरफ से यहाँ पर आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन फैसला कब होगा इसी का फिलहाल इंतजार है। तो 22,000 सीटों को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपको अगला हफ्ता देखने के लिए मिलेगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे।